हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्य एंड यू आर वाचिंग मेनी अटैक। दोस्तों, जैसे मैं परसों अपना फोन यूज कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन वो गिरकर पानी के अंदर जा चुका। मैं पिक्सल 2 यूज करता हूँ एज माई डेली ड्राइवर, और वो ऑल ऑफ अ सडन जाकर पानी के एक बॉल में जाकर गिर पड़ा। तो तभी मुझे ध्यान आया कि काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एजम्पशंस करते हैं या बहुत ज्यादा सोचते हैं कि फोन पानी में जाते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि फोन जब पानी में गया तो मेरे क्या रिएक्शंस थे, मैंने क्या सबसे पहला स्टेप किया और आपको क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, फोन्स दो तरह के मार्केट के अंदर आते हैं, एक जो आईपी रेटेड होते हैं और एक आईपी रेटेड नहीं होते। सबसे पहले मैं आईपी रेटेड की बात कर लेता हूं। आईपी रेटेड का मतलब हो गया इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, यानी कि आपका फोन डस्ट और वाटर से कितना प्रोटेक्टेड है। हाँ दोस्तों, लिक्विड्स और जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स उसके ऊपर अटैक करेंगे, उनसे कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड है, यानी कि डस्ट बहुत छोटी होती है और लिक्विड भी बहुत छोटा होता है। तो फोन के अंदर घुस सकते हैं या नहीं घुस सकते, चार्जिंग पोर्ट से, आपके डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट से, या फिर माइक्रो फोन्स के पोर्ट से, या स्पीकर के पोर्ट से आपके फोन के अंदर जा सकता है, नहीं आपके फोन को डैमेज कर सकता है नहीं, तो वो होता है आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग में हम सबसे बेसिकली हमारी जो फोन्स के अंदर होती है वो है IP67 और 68, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं बात करूँ इस पिक्सल 2 की, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसे मैं यूज करता हूँ डेली ड्राइवर एज अ पिक्सल 2 में, आपको IP67 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको फोन आधे घंटे तक, एक मीटर तक पानी के अंदर आप रख सकते हो पिक्सल 2 को। यानी कि IP67 वाले जितने भी फोन्स हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो ऐसे। लेकिन अगर मैं बात करूं आईपी रेटेड ना अगर हो आपका फोन, यानी कि आपका फोन अगर आईपी रेटिंग नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले फोन को ऑफ कर देना चाहिए। जैसे ही फोन आपका पानी के अंदर गिरता है, तुरंत आपको इसके अंदर ऑफ कर देना चाहिए, और ऑफ करने के साथ आपको इसको चावल के अंदर, एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करना चाहिए, क्योंकि चावल पानी सारा सोख लेता है। बाय चांस अगर फोन के अंदर पानी मदरबोर्ड तक जा चुका है तो सॉरी, आपका फोन बिल्कुल डैमेज हो चुका है। लेकिन आजकल प्रोटेक्शंस इतनी ज्यादा अच्छी हैं, फोन के अंदर सीलिंग्स इतनी प्रोटेक्टिंग सील्स की जाती हैं, जो आउटर कोटिंग होती है सील इतनी अच्छे से की जाती है कि आपके फोन के अंदर खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन को पानी में डाल सकते हो। अब बात करते हैं आईपी रेटिंग फोन्स के बारे में, यानी कि नॉर्मल फोन्स आप पानी के अंदर डाल ही नहीं सकते, लेकिन आईपी रेटेड फोन जैसे कि IP67 प्रूफ के साथ, जैसे आईफोन के जितने फोन आते हैं, आईफोन एक्स, आईफोन 8 प्लस, आईफोन SE 2020, ये भी आईपी रेटेड है। OnePlus 8 आईपी रेटेड नहीं है, OnePlus 8 Pro जो नया है वो आईपी रेटिंग है। OnePlus के इससे पहले वाले फोन आईपी रेटेड नहीं है, वो सील कोटेड है, लेकिन वो कोई ऐसा सर्टिफाइड नहीं करता। तो उस चीजों को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आपका फोन पानी के अंदर गया है? दोस्तों, सबसे पहले चीज, ये चीज भूल जाओ कि आपका फोन पानी का प्रूफ है, यानी कि जो टेस्टिंग होती है IP67 की या 8 की, वो आपकी आइडियल कंडीशंस में होती है। दोस्तों, एक टेम्परेचर होता है, वो रूम टेम्परेचर फिक्स होता है, इतने डिग्री टेम्परेचर पे पानी का इतना टेम्परेचर होगा, पानी की जो कंटेमिनेशन है वो इतना होगा, और वो प्योर वाटर होगा। उस चीज को बहुत ज्यादा तरीके से कंपनीज नहीं बताती और आपको एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। अगर मैं बात करूँ घर के डेली वाटर की या फिर अलग अलग पानी की कंडीशंस की, तो पानी अलग अलग टाइप में, अलग अलग जगह में, अलग अलग टाइप का होता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी किस टाइप में और किस जगह गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली अपना फ़ोन उठाकर शावर यूज़ कर रहे हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हो। अगर आप शावर में फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका फ़ोन शावर में आप यूज़ कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल पानी में गिर गया और आपका फ़ोन आईपी रेटेड है, अगर आपने मान लो 1,00,000 का फोन लिया है, आपका फोन आईपी रेटेड है, आपका फोन पानी के अंदर गिर गया, पानी की वजह से ऑफ हो गया, आप उसे अगर सर्विस सेंटर लेके गए, तो दोस्तों आपको भूल जाइए कि आपको वारंटी वगैरह मिलेगी। हाँ दोस्तों, कोई कंपनी क्लेम नहीं करती पानी से उनका फोन कि अगर कोई डैमेज होता है तो आपको वारंटी मिलेगी। आपका फोन बिल्कुल जीरो हो चुका है, उसकी वैल्यूज बिल्कुल जीरो हो चुकी है। एप्पल के केस में आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1,00,000 का फोन है तो आपको 70-80,000 रुपए देने पड़ेंगे और आपको नया फोन मिल जाएगा। लेकिन आपको 70-80,000 देने पड़ते हैं दोस्तों, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास 2-3,000 दिए और आपका फोन रिप्लेस होकर आ गया। ने मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक की, अगर मेरा फोन पिक्सल 2 खराब हो जाता है, कुछ डैमेज आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती, तो कंपनी इसको क्लेम देती है नहीं? इस चीज को मैं इसको सोच रहा था, तो इस चीज को सोचते सोचते मैंने कंपनी में कॉल किया, वहां पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, फिर मैंने OnePlus के सर्विस सेंटर भी कॉल किया, वहां मैंने डिटेल्स निकाली कि ऐसा ऐसा होता है और कंपनी इसमें क्लेम नहीं करती। आईफोन के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा आईफोन 6 था, वो पानी के अंदर जा चुका था, तो उसके अंदर कंपनी ने मुझे बिल्कुल भी वारंटी नहीं दी थी, एप्पल ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। एप्पल ने बोला था आपको 70-60% अमाउंट देना पड़ेगा जो आपने फोन परचेज किया है करंट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल आईफोन 6 की वैल्यू आज मार्केट के अंदर 22,000 रुपए है, तो मुझे उसके अंदर 14,000-15,000 रुपए देने पड़ते हैं एप्पल को, वो हमें नया फोन दे दे। वो एक बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी तरीका है।
लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों। तो आईपी रेटिंग का कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं मिलता कि आपको इसकी वारंटी मिलेगी। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ये कंपनी क्लेम करती है, लेकिन आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना, क्योंकि मेरा पिक्सल रिसेंटली पानी के अंदर गिरा, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। तो बस दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और पानी के अंदर आपका फ़ोन गया है या नहीं, आज तक आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर खराब हुआ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास कस्टमर केयर का ऐसा कोई इंसिडेंट है तो प्लीज़ नीचे शेयर करना कमेंट में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।